हाथरस के गुनाहगारों को फांसी दो। सांसदों के साथ बर्बरता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अमनदीप सिंह सहानी, उपभोक्ता विभाग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आपका प्रोटेस्ट आज किस संदर्भ में है? देश की बेटी, हाथरस की बेटी, जिनका जिनकी मौत हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने ये मार्च रखा था, कैंडल मार्च। क्या मांग है आपकी सरकार? एक ही मांग है, योगी आदित्यनाथ जी का इस्तीफा, क्योंकि सांसदों के साथ जो बर्बरता करी गई प्रशासन के थ्रू, और महिला के ऊपर एक उनके कंधे पे हाथ डालना प्रियंका गांधी जी पे, ये उनका एक अमानवीय व्यवहार है प्रशासन का। शर्म आनी चाहिए उनको कि उनका प्रशासन इतना विफल है। क्या आपको लग रहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो आरोपियों को बचाने के पक्ष में है? अगर बचाने के पक्ष में नहीं है तो फांसी दे उन्हें, और बचाने के पक्ष में है तो 10 साल लटका के रखें। अगर जी मान लो इस्तीफा नहीं देते तो फिर तुम्हारा क्या टारगेट होगा? टारगेट तो ऐसी किसी चीज़ का नहीं रख सकते जब तक बीजेपी सरकार हैगी है, क्योंकि इन्होंने कसम खाधी हुई है इस देश के अंदर भावें अत्याचार होए, बलात्कार होए, बेरोजगारी होए, कुछ भी होएगा, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना है। ए सरकार बिल्कुल ही विफल हैगी है। यह देश की जनता को समझना पड़ेगा कि अज भावें इस टॉपिक के उत्ते होने गल करना नहीं सी, लेकिन एक सेकंड वास्ते अगर देखा जाए GDP किधर हैगी है, इकनॉमी साड़ी देश की कितने हैगी है, बेरोजगारी कितने हैगी है, 2 करोड़ नौकरियां देंगे कब देंगे। खाली हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं ये लोग, और कुछ नहीं। क्या नाम है मैडम आपका? रूही सलीम, दिल्ली प्रदेश महिला प्रेसिडेंट, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। जो आपका प्रोटेस्ट है आज किस संदर्भ में है? हम लोग एक तो हाथरस की बेटियों के लिए, अपनी देश की बेटियों के लिए इंसाफ चाहते हैं तुरंत जी। और दूसरा योगी आदित्यनाथ का जी का इस्तीफा चाहते हैं जी। और जिस तरह से ये बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके बयान आ रहे हैं कि लड़कियों में संस्कार नहीं होते हैं, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ वो अपनी माताओं से पहले खुद संस्कार सीखें, क्योंकि बेटियों के लिए संस्कार के लिए बात करते हैं, 6 साल की बेटी को आप क्या संस्कार दोगे? 14 साल की लड़की के साथ आप क्या संस्कार वाली बात कर रहे हो? क्या उनके घर में बेटियाँ नहीं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटियों से किस तरह नज़रें मिलाते होंगे ये लोग कि इतना बड़ा सांसद होके बोलता है कि बेटियों को संस्कार दीजिए, वो अपने आप कौन सा संस्कार लेकर पैदा हुआ है सामने आए। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो कांग्रेस है वो उस बेटी के जरिए राजनीति कर रही है। 2014 में उन्होंने कौन सा राजनीतिक गेम खेला था? अगर कांग्रेस चाहती तो वो शायद जंतर मंतर पे नहीं आ सकते थे, इंडिया गेट बंद कर दिया जाता। हम लोग इतिहास की बात नहीं करेंगे, हम आज की बात करेंगे, क्योंकि वो लोग करते हैं, वो गेम खेलते हैं, राजनीति खेलते हैं, मीडिया पे कवर करते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग एक सभ्य लोग हैं, राजनीति से हटकर बेटी के बारे में सोचिए। आपकी क्या मांग है सर? योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए सबसे पहले, यूपी सरकार को हट जाना चाहिए, खुद शर्मनाक अपने आप चूड़ियाँ पहनकर हट जाएं, सबसे अच्छी बात है, नहीं तो इस्तीफा दें।